दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि जो स्मॉल कैप फंड्स हैं उनके अंदर आने वाले दिनों के अंदर क्या परेशानियां आ सकती हैं। यानी कि आपने कई महीनों से आपने ये चीज़ देखी होगी, नोटिस की होगी, आपको पता होगा कि कई सारे म्यूचुअल फंड्स जितने भी हाउस हैं, स्मॉल कैप फंड्स हैं, स्मॉल कैप के अंदर लमसम अमाउंट को क्या कर दिया है, कम कर दिया या जीरो कर दिया है। यानी कि आप लमसम अमाउंट क्या कर सकते हैं, इन्वेस्ट नहीं कर सकते स्मॉल कैप के अंदर। या किसी ने क्या किया है, अपने लिमिट को कम कर दिया है कि जहाँ पे आप 5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे थे लमसम में, वहाँ पे 1 लाख या 2 लाख या 50 हज़ार का लमसम का टारगेट सेट कर दिया है। कुछ स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स ने क्या किया है कि हम SIP 50 हज़ार की भी कर सकते थे, 1 लाख रुपये की कर सकते थे, लेकिन वहाँ पर क्या है, अब कुछ ने क्या कर दिया है, 20 हज़ार रुपये की SIP है या 25 हज़ार रुपये की SIP का क्या कर दिया है, एक कंडीशन लगा दिया कि भाई इतने से ज़्यादा का आप SIP नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में क्यों हो रही हैं, इस चीज़ को हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर। तो जो हमने पैसा लगाने वाले हैं या फिर लगा चुके हैं, तो हमारे का इस पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इस चीज़ को हम इस वीडियो के अंदर समझेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करूँ उससे पहले रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमसे जुड़ जाइए, जिससे कि फाइनेंशियल एजुकेशन की नॉलेज आप तक पहुँचे और आप सेविंग से इन्वेस्टमेंट करना सीख जाएँ। तो देखो दोस्तों, जो सबसे बड़ा चैलेंज आ रहा है स्मॉल कैप कंपनी के सामने, वो ये आ रहा है कि स्मॉल कैप जो फंड हाउस है वो क्या कर रहे हैं, पैसे वो कहाँ लगा रहे हैं। यानी कि आप किसी या फंड हाउस की बात करते हैं तो स्मॉल कैप फंड है उसके अंदर, स्मॉल कैप के अंदर 65% कंपनी का पैसा लगाया जाता है, स्मॉल कैप के अंदर लगाया जाता है, बाकी का बचा हुआ पैसा मिड कैप के अंदर, लार्ज कैप के अंदर या कई दूसरी जगह पर लगाया जाता है। ठीक है, तो आपका 65% पैसा कहाँ पे होना चाहिए, स्मॉल कैप स्टॉक्स के अंदर पैसा लगना चाहिए। अब हो क्या रहा है कि आप जैसे, हम जैसे जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो भर भर के इन्वेस्ट कर रहे हैं। यानी कि स्मॉल कैप ने पिछले 10-15 साल के अंदर जो ग्रोथ दी है, जो रिटर्न दिए हैं अच्छे खासे, यानी कि पहले जो रिटर्न दिए थे, मान लीजिए इतने रिटर्न दिए हैं, फिर इतने रिटर्न दिए, फिर उसके बाद में इतने रिटर्न दिए हैं, यानी कि आपके पास रिटर्न इतने अच्छे आए हैं 10-15 साल के अंदर कि ज़्यादातर जो इन्वेस्टर्स हैं उनका जो रुझान है, उनकी जो मेंटेलिटी है, वो स्मॉल कैप में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करने की हो गई है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि जो स्मॉल कैप फंड हाउस हैं उनके पास भर भर के पैसा आ रहा है इन्वेस्टर्स का। अब इन्वेस्टर्स ये चिंता में हैं कि मान लीजिए जो भी स्मॉल कैप फंड थे उनके अंदर पैसा धुआंधार लग गया, भैया उनके अंदर पैसा खूब लगा दिया, जो वो स्टॉक हैं स्मॉल कैप कंपनीज के, यानी कि जो NSE BSE पे जो भी स्टॉक स्मॉल कैप कंपनीज लिस्टेड हैं उनके अंदर इतना पैसा लग चुका है कि अब जो स्मॉल कैप फंड हाउस है, यानी कि जो फंड हाउस है जो स्मॉल कैप कैटेगरी में पैसा लगाते हैं, वो भी चिंता में हैं। क्योंकि जिन स्टॉक के अंदर पैसा लगा है वो क्या हो गए, आप ओवर वैल्यूज हो गए, ओवर वैल्यूड हो गए, यानी कि भैया उनके अंदर इतना पैसा लगा हुआ है कि चिंता की बात बन गई है कि कहीं मार्केट क्रैश हो गया तो, ये बहुत बड़ा क्रैश आ गया मान लीजिए, तो इन्वेस्टर्स के पैसे डूब ना जाए कहीं, यानी कि इन्वेस्टर्स के पैसे डूब ना जाए, लॉस ना हो जाए, तो ये चिंता बड़ी जो फंड हाउस है उनको सता रही है। जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि अब जो लमसम है वो रोक दिया गया है या कम कर दिया गया है कहीं में, या फिर SIP की वैल्यू भी, SIP को भी कम कर दिया गया है, भैया इतना इतना धीरे धीरे पैसा डालिए, क्योंकि अब कंपनी के पास पैसा भरपूर आ रहा है तो उसको इन्वेस्ट करना है और वो इन्वेस्ट अब कर नहीं पा रहे एक फियर की वजह से कि मार्केट क्रैश की वजह से। या देखिए ऐसा होता है ना कि मान लीजिए किसी XYZ के अंदर स्टॉक में पैसा लगाना है, मान लीजिए ये स्मॉल कैप कंपनी है, ये कोई स्मॉल कैप स्टॉक है मान लीजिए, अब इसके अंदर जो पैसा लगाना चाहिए वो बहुत सारे फंड हाउस ने मान लीजिए पैसा लगा दिया इसके अंदर, यानी कि ये ओवर वैल्यूज हो गया, ये एक तरह से हाथी हो गया है। अब हाथी हो गया है तो ये हर किसी को ना एक लिमिट तक कोई चीज़ डाइजेस्ट कर सकता है, कोई भी कंपनी पैसे को एक लिमिट तक डाइजेस्ट कर सकती है। ऐसा नहीं है कि उस कंपनी के पास ऑपरेशंस करने के लिए मान लीजिए 10 करोड़ की आवश्यकता है, लेकिन उसके पास उसके 10 गुना पैसा आ चुका है, यानी कि 100 करोड़ पैसा आ चुका है उसके पास, तो भैया उसके ऑपरेशंस कैसे चलेंगे, तो ये भी चीज़ होती है। तो कंपनी क्या कर रही है कि अब ज़्यादा जो स्टॉक हैं उनके अंदर ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ हो चुकी है तो उनके अंदर पैसा लगाने से बच रही हैं, और नए स्टॉक अब है नहीं ज़्यादा इतने ज़्यादा स्मॉल कैप में कि भाई चलो इसमें लगा देते हैं, इसमें लगा देते हैं, इसमें लगा देते हैं, तो कंडीशन कुछ ऐसी बन चुकी है। या फिर हम ये कहें कि जितना मार्केट में पैसा आ रहा है उसको मार्केट के अंदर डाइजेस्ट करने में, मार्केट में सेट करने के लिए, मार्केट में लगाने के लिए थोड़ा टाइम पीरियड भी अच्छा खासा थोड़ा होना चाहिए। अब टाइम हमारे पास कम है पैसा लगाने के लिए, मान लीजिए किसी फंड के पास आवश्यकता थी कि भाई हमें 10 करोड़ रुपये चाहिए, हमें फंड हाउस, यानी कि जो हम कहते हैं ना AUM,
असेट अंडर मैनेजमेंट। अब असेट अंडर मैनेजमेंट के अंदर मान लीजिए 10 करोड़ रुपए आ चुके हैं, तो कंपनी को भी एक टाइम लगता है कि भाई इस 10 करोड़ को हम कहाँ कहाँ पे लगाना है और मार्केट सिचुएशन भी कैसी है। ऊपर से इलेक्शन आने वाले हैं, एक मार्केट क्रैश तो हालांकि कई बार हो चुका है और आगे भी एक बहुत बड़ा क्रैश भी आ सकता है, 10 या 20% का क्रैश आ सकता है मार्केट के अंदर। तो इससे क्या होगा कि कंपनी मान लीजिए पैसा लेती रहेगी, लगाती रहेगी, तो कंपनी को एक अपना एक ट्रस्ट भी तो होता है कंपनी का, एक म्यूचुअल फंड हाउस का एक ट्रस्ट होता है। अगर इन्वेस्टर के पैसे डूब जाएं तो भी दिक्कत हो जाएगी, या उस फंड उस फंड हाउस की वैल्यू खराब हो जाएगी तब भी दिक्कत हो जाएगी। और वैल्यू कैसे हो जाएगी, मान लीजिए कोई अच्छा खासा म्यूचुअल फंड है, जैसे कि हम बात कर लेते हैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की बात कर लेते हैं, तो उसका अराउंड मेरे ख्याल से रिटर्न कितना है आप मुझे कमेंट में बताइएगा कितना रिटर्न चल रहा है इसका। तो मुझे लगता है कि पिछले 10 साल के अंदर कभी 26 से 27% का रिटर्न चल रहा है निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का। अब मान लीजिए इस तरीके से रिटर्न और पैसे लगाते रहेंगे तो इनकी परफॉर्मेंस भी खराब हो जाएगी। जो रिटर्न 26-27% का रिटर्न कंपाउंड रिटर्न दे रहे हैं पिछले 10 साल के अंदर, तो अब ये मान लीजिए कोई मार्केट क्रैश आ गया या इनका इनके पास पैसा जरूरत से ज़्यादा आ गया तो ये पैसे को लगा नहीं पाएंगे। लगा दिया तो वहाँ पे रिस्क भी रहेगा कि भाई मार्केट क्रैश हो गया तो हमारा जो अच्छा खासा जो रिटर्न हम लोगों को दे रहे थे वो हमारा रिटर्न नेगेटिव में चला जाएगा, या काफ़ी 26-27% से 20 पे आ जाएगा या 17 पे आ जाएगा, 15 पे आ जाएगा, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है ना। तो भैया इस समय पर मार्केट डरा हुआ है पैसा लगाने से, तो अब हम क्या करें, लेकिन एज अ इन्वेस्टर हम लोग क्या करें। देखिए तो हमेशा एक चीज़ को ध्यान रखिए कि ज़्यादा लालच भी बहुत ज़्यादा बेकार होता है, तो हमें लालच भी ज़्यादा नहीं करना है कि भैया स्मॉल कैप फंड अच्छे रिटर्न दे रहे हैं तो हमें स्मॉल कैप में डालना है। हमें अपना पोर्टफोलियो बैलेंस रखना चाहिए। कभी भी लालच के पीछे भागोगे ना तो लालच में या तो आपको बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी या फिर आप बर्बाद हो जाओगे या आपको नेगेटिव रिटर्न मिलेंगे। तो हमेशा अगर स्मॉल कैप फंड ने अच्छा रिटर्न दिया है, अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, हमें पैसा कुछ पैसा स्मॉल कैप के अंदर लगाना है, कुछ पैसा मिड कैप में लगाना है, कुछ पैसा आपको लार्ज कैप में लगाना है, ठीक है ना, कुछ इंडेक्स फंड में लगाना है, कुछ आपका फ्लेक्सी कैप में लगाना है, या आप हाइब्रिड फंड्स के अंदर लगाना है। तो हमें अपने पैसे का डाइवर्सिफिकेशन करते रहना चाहिए, ठीक है। और एक चैलेंज और भी क्या आ रहा है स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड कंपनीज के पास में, जो फंड हाउस है स्मॉल कैप में। अब स्मॉल कैप में 65% आपका पैसा कहाँ होना चाहिए, स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर होना चाहिए, छोटी छोटी कंपनी के अंदर पैसा लगाना चाहिए। लेकिन वहाँ पे 65% में पैसा आप कितना लगाएंगे, एक लिमिट होती है, तो बाकी का पैसा जो लार्ज कैप में लगाएंगे लोग तो 60% तो इनको स्मॉल कैप में रखना पड़ेगा ना। तो इसलिए जब ये लोग फिर लार्ज कैप में लगाएंगे बाकी का सारा पैसा बचा हुआ पैसा, तो फिर आप लार्ज कैप म्यूचुअल फंड क्यों नहीं ले। तो इसलिए ये है कि मार्केट की सिचुएशन जो चल रही है, एक कह सकते हैं 20% की 10% की गिरावट भी आ सकती है मार्केट के अंदर, कुछ पता नहीं अभी किसी को भी। तो हमें क्या करना है, अपना सेफ साइड का गेम खेलना है। आपको अपना पैसा डिफरेंट रेशियो में अपने रिस्क के हिसाब से आप हर जगह पर थोड़ा थोड़ा पैसा लगाइए, किसी एक के भरोसे मत रहिए, ये मेरा मानना है। आप लोगों का क्या मानना है प्लीज़ कमेंट कर बताइएगा कि ऐसी सिचुएशन में आप लोग क्या करने वाले हो, कमेंट कीजिए, काफ़ी अच्छा लगेगा। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।